पार्श्व प्रधान पाठशाला में नन्हे बच्चों द्वारा आयोजित लघु नाटिका ने बड़ा संदेश दिया। वर्तमान युग में मोबाइल लैपटॉप से बढ़ रही बुराइयों पर आधारित इस नाटक के पात्रों का सजीव चित्रण देखकर सदन में बैठा दर्शन इन नन्हे कलाकारों की अदाकारी देखकर रोमांचित हो गया। रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर स्थित पार्श्व प्रधान पाठशाला में चल रहे जैन संतों के चातुर्मास के दौरान बच्चों द्वारा गंभीर विषयों पर नाट्य मंचन किया गया। इस दौरान बच्चों ने बताया कि किस तरह मोबाइल फोन युवाओं के करियर की राह में बाधक बन रहा है। इसी तरह से एक अन्य नाटक में संयुक्त परिवारों को सहजने और बुजुर्गों के सम्मान का संदेश दिया गया। आयोजन के दौरान चातुर्मास समिति के अध्यक्ष मनीष जैन सहित अन्य सभी समाजजन मौजूद थे। माँ कभी अपने बेटों की कब्रेज से दूर नहीं होती बहू। दादी बेटी नए आसन में पंछियों को पानी कौन रखता है? नए घरों में बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? याद रहे दोस्तों कि सास और बहू के ईगो प्रॉब्लम में सुजाता जैसी गंदी सी जान को घोर अनुमोदिना बारंबार बारंबार।
दुश्मनों को भी क्षमा कर दे।